hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. जो भी एग्जाम्पल को दिख रहे हैं लिखता है लिखना शुरू कर सकते हो यहां पर कुछ भी अगर वो दे दे वैसा तो ठीक है नहीं तो आप ए एन ऐसे बना के देगा जिसको आप जज कर पाओगे विद दिस एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट समेशन माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन इंटू वन माइनस कॉस वन बाय एन एंड समेशन माइनस वन टू द पावर एन इंटू साइन वन बाय एन बोथ आर कन्वर्जेंट बोथ आर कन्वर्जेंट बाय लेबनीज टेस्ट दिस इज मोर टू डिग्री टेन इंटू जीरो दिस मोर डिग्री टेन इंटू जीरो तो बोथ आर कन्वर्जेंट बट दिस इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट दिस इज नॉट क्योंकि जैसे ही मॉड लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा समेशन वन माइनस कॉस वन बाय एन और ये बन जाएगा समेशन साइन वन बाय एन दिस इज नॉट कन्वर्जेंट दिस वी हैव पुट कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट वन माइनस कॉस वन बाय एन फर्स्ट टर्म वन बाय एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो दिस इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट बट दिस नॉट कंडीशनल कन्वर्जेंस उसी सीरीज को बोलते हैं जो खुद तो कन्वर्जेंट है बट देयर एब्सोल्यूट टर्म्स गिव्स यू डाइवर्जेंट सीरीज मॉडल लगाने के बाद सीरीज क्या होगी या तो कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है और कभी नहीं करती लिख सकते हैं कंडीशनल कन्वर्जेंस इफ समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट बट समेशन मॉड ए एन इज डाइवर्जेंट इफ समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट एंड समेशन मॉड ए एन इज डाइवर्जेंट ऐसा हो सकता है ना समेशन ए एन कन्वर्जेंट है वो कैसे हो उसको पालो में मॉड लगाने के बाद वो क्या हो गई डाइवर्जेंट जैसे एग्जाम्पल दिख रहा था ये है ना जैसे ये कन्वर्जेंट है बट जब मॉड लगाओगे तो क्या बन जाएगी डाइवर्जेंट बन जाएगी नहीं बन जाएगी देन सच सीरीज आर रिफर्ड एज कन्वर्जेंट कंडीशनली और कंडीशनली कन्वर्जेंट व्हेन समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट समेशन मॉड एन इज डाइवर्जेंट देन सच सीरीज आर कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज फॉर एग्जाम्पल लिख लो दो तीन ये सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल बनाया जाता है ठीक है वन माइनस वन कहां से जाएगा ठीक है कुछ भी बना लो यार दुनिया भर के बन जाएंगी जनरलाइज ही कर देता हूं ना खत्म दे ऑल आर कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज एब्सोल्यूट और कंडीशनल दोनों ही होती तो कन्वर्जेंट हैं एब्सोल्यूट में दोनों कन्वर्जेंट होती हैं और कंडीशनल में सीरीज तो कन्वर्जेंट होती है बट पुटिंग एब्सोल्यूट मॉडुलस इट बिकम्स डाइवर्जेंट ठीक है एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट ठीक है ना तो ये जरूर ध्यान रखेंगे हम पूछता है इसके ऊपर खूब क्वेश्चन आ रहे हैं करेक्टर पूछता है ठीक है ना कौन सीरीज एब्सोल्यूट है कौन सी कंडीशन आपके पास रूल पता है कैसे चेक करना होता है कंडीशनल में दोनों को चेक करना पड़ता है जैसे ये मेरी ये तो खुद ही कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या एब्सोल्यूट क्या कंडीशनल है ना उसके दोनों की बाहर हो गया ना ये अब मेरा कन्वर्जेंट हो गया बट नॉट एब्सोल्यूट क्योंकि मॉड लगाने के बाद वो नहीं हो रहा है कंफर्म एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल खास बात क्या होती है कि जब आप कंडीशनल चेक कर रहे होते हो ना तो सीरीज पहले उसको चेक करते हो कंडीशनल केस में और एब्सोल्यूट में सीधे आप मॉड लगा के चेक करते हो जैसे आप मॉड लगाते हो आपके पास सारे टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं एक तो मॉड लगा लिया आपने अब सीरीज कैसी बन गई पॉजिटिव की अब सारे टेस्ट अवेलेबल है कंपैरिजन टेस्ट ये टेस्ट वो टेस्ट दे ऑल आर अवेलेबल
और पॉजिटिव, तो ये फायदा हुआ मॉडल लगा के। अब अगर कन्वर्जेंट आ गया डन, अब तो वो सीरीज भी कन्वर्जेंट है। दिक्कत कब है, जब वो डाइवर्जेंट आ गया तो हम समेशन एन के बारे में कुछ, ये तो मालूम चल गया इट इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, बट ये नहीं मालूम कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है। अगर आप कन्वर्जेंट हो तो कंडीशनली और नहीं हो तो थ्रू आउट फेल। समेशन मॉड एन आपने चेक किया और वो आया डाइवर्जेंट, समेशन मॉड एन चेक किया और वो आया डाइवर्जेंट, तो ना तो समेशन एन के बारे में कुछ मालूम चला। अगर कन्वर्जेंट आता तो समेशन एन भी कन्वर्जेंट होता, लेकिन वो डाइवर्जेंट आया तो समेशन एन का तो कुछ नहीं मालूम चला हमको ना। अब ये हो सकता है समेशन एन कन्वर्ज करे या ना करे, हां सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज तो नहीं करेगी। अब करेगी तो कंडीशनली, नहीं तो कन्वर्ज ही नहीं करेगी। एग्जांपल देखा हम लोगों ने इस तरह से कंफर्म, जैसे माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन इंटू कॉस वन बाई एन, ये मेरी सीरीज है, हमने मॉड लगाया बनी समेशन कॉस वन बाई एन, नॉट कन्वर्जेंट, लिमिट ए एन जीरो नहीं है तो नॉट कन्वर्जेंट, सो नॉट एब्सोल्युटली। वो खुद कर रही है वो जाने, वो खुद भी नहीं कर रही है फिर, यहां तो यहां भी दिख रहा है ना, तो लिमिट ए एन अगर नॉन जीरो आ गया तो ना तो सीरीज कन्वर्ज करेगी ना उसकी एब्सोल्युट, कोई नहीं करेगी फिर तो, जीरो आने के बाद भी नहीं पता, जीरो आने के बाद भी नहीं मालूम चलता कि कन्वर्ज करेगी नहीं। जैसे वन अपॉन एन साइन वन बाई एन, वन अपॉन एन इंटू साइन वन बाई एन, ये कन्वर्ज करती है, ये पॉजिटिव की है हमेशा, अभी लिखा वन अपॉन एन इंटू साइन वन बाई एन, कहां जा रही है जीरो पे, वन बाई एन टेन टू जीरो इंटू साइन वन बाई एन, वो जो भी हो है तो बाउंडेड ना। इफ लिमिट ए एन इक्वल टू जीरो एंड सीक्वेंस बी एन इज बाउंडेड देन सीक्वेंस ए एन इंटू बी एन इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट ए एन इंटू बी एन इज जीरो। ठीक है, हो ही जाएगा, क्योंकि अभी देख सकते हो ए एन इंटू बी एन माइनस जीरो, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए एन इंटू बी एन लिख सकता हूं मैं सिर्फ, विच इज लेस देन इक्वल टू एम टाइम्स मॉड ए एन लिख सकते हैं हम इसको, बट इज बिकॉज इट इज बाउंडेड, और ये लिमिट ए एन कहां जा रही है जीरो, तो लिमिट ए एन अगर जीरो है तो इसको जितना ज्यादा छोड़ कर सकते हैं मॉडुलस, तो मॉड ए एन इज लेस देन अपॉन एम, प्रूफ हो गया। सो व्हेन समेश सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्ज जीरो और दूसरी बाउंडेड है, कैन आई से डायरेक्टली कि इफ दिस साइन साइन एन इंटू वन अपॉन एन या साइन एन इंटू साइन वन बाई एन, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, साइन एन इंटू साइन वन बाई एन इज कन्वर्जेंट, कॉस एन इंटू साइन वन बाई एन इज कन्वर्जेंट, पक्का कन्वर्जेंट है भाई, ये बाउंडेड सीक्वेंस ये टेंडिंग टू जीरो, ये बाउंडेड सीक्वेंस टेंडिंग टू जीरो, बट ये नहीं कह सकता मैं कि साइन एन इंटू कॉस वन बाई एन इज कन्वर्जेंट, क्योंकि इसकी लिमिट ये तो बाउंडेड है बट ये लिमिट जीरो नहीं आ रही है, दिस लिमिट टेंड्स टू वन, ये कह सकता हूं ये लिमिट जीरो ये बाउंडेड। ये बड़ा यूजफुल है, कई बार हम ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं कि कोई सीरीज अगर दो के प्रोडक्ट में दिखाई दे रही है, मालूम चल जाए एक बाउंडेड है और एक कन्वर्जेंट है जीरो पे, तो प्रोडक्ट कन्वर्ज कर जाएगा, है ना पक्का। और ये अगर लिमिट जीरो नहीं है ना, ये लिमिट जीरो नहीं है तो पक्का फेल भी कर जाएगा, करना चाहिए, कारण ये कन्वर्जेंट ना हो तो, क्योंकि दोनों कन्वर्जेंट हैं तो प्रोडक्ट कन्वर्जेंट होते ही होता है, एलजेब्रा है, वन इज कन्वर्जेंट अदर इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, देन कन्वर्जेंस ऑफ प्रोडक्ट विल डिपेंड ओनली दिस इज जीरो। अगर ये जीरो नहीं है ना तो क्या होगा कि एक ए एन की सबसीक्वेंस लो, इसकी सब पास सबसीक्वेंस मिलेंगी दो जो डिफरेंट पॉइंट कन्वर्ज कर रही होंगी, there are two subsequences of bn which are coming different point because it has two limit point at least, to ek bnk that is ank and ank amk into bmk, iski ek limit kya
अच्छा ये कन्वर्जन एल पे आप सी एस आई आर नेट या आई आई टी जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे सी एस आई आर नेट आई आई टी जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गेट 40,000 प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एब्सोल्युटली फ्री। डाउनलोड डिप्स अकेडमी मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या क्यूआर कोड स्कैन करिए। ये भी एल पे जा रहा, तो ये कहा जाएगा एल इंटू बी वन, और ये सीक्वेंस कहा जाएगी, ये तो अभी भी एल पे जा रही है। कहा जा रही है एल इंटू बी टू, और बी वन बी टू डिफरेंट है, तो ए एन इंटू बी एन के पास दो सबसीक्वेंस आ गई जो अलग अलग कन्वर्ज कर रही है, तो ए एन इंटू बी एन कन्वर्ज भी नहीं करेगा। दिस इज अनदर रिजल्ट विच वी हैव डेवलप हियर, है ना, कि इसमें एंड सेकेंड इफ लिमिट ए एन इक्वल टू एल नॉट जीरो सीक्वेंस बी एन इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट देन सीक्वेंस ए एन इंटू बी एन इज नॉट कन्वर्जेंट बट बाउंडेड तो होगी होगी, प्रोडक्ट ऑफ टू बाउंडेड सीक्वेंस हैज टू बी बाउंडेड। ये एल लिमिट ए एन जीरो नहीं है, अगर है तो कन्वर्जेंट ही, तो इसकी हर सबसीक्वेंस कहां जाएगी, एल पे जाएगी पक्का ना। बट बी एन चूंकि बाउंडेड है और कन्वर्जेंट नहीं है, तो बी एन के पास यूनिक लिमिट पॉइंट तो नहीं हो सकता। यूनिक लिमिट पॉइंट बाउंडेड इंप्लाइज कन्वर्जेंस, तो सीक्वेंस बी एन इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंस इंप्लाइज बी एन हैज टू लिमिट पॉइंट, सो देर आर टू सब सीक्वेंसेस बी एन के एंड बी एम के, बी एन के इज गोइंग टू बी वन एंड बी एम के इज गोइंग टू बी टू, सो नाउ वी हैव टू कन्वर्जेंस सीक्वेंस ए एन के एंड बी एन के, देयर प्रोडक्ट शुड बी कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू वॉट एल इन टू बी वन, दिस इज कन्वर्जेंट दिस इज कन्वर्जेंट, प्रोडक्ट शुड बी कन्वर्जेंट एंड एल बी वन इज नॉट इक्वल टू एल बी टू, ठीक है। तो अगर कोई नॉट इफ ए एन इज अ सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस बट नॉट नल सीक्वेंस एंड बी एन इज बाउंडेड देन ए एन इन टू बी एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली बी एन इज कन्वर्जेंट, है ना। नल सीक्वेंस क्या होती है, जिसकी लिमिट जीरो हो, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू सीक्वेंसेज इन विच वन इज कन्वर्जेंट बट नॉट अ नल सीक्वेंस अदर इज बाउंडेड देन इट इज कन्वर्जेंट ओनली वेन द अदर इज कन्वर्जेंट, कन्फर्म। अगर कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो फिर ये आफत आ जाएगी। ये एग्जाम में स्टेटमेंट तो होते हैं, अब सोचिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ये वहां पर क्लैरिफाई करना मुश्किल होता है आपको, तो पहले सोच के जाओ सारा, ठीक है। सो कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज एंड एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, अब ये पढ़ा क्यों है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल वो लिखिए। नोट ऑब्जर्वेशन अबाउट एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, रादर दिस इज ऑब्जर्वेशंस अबाउट एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। नंबर वन, हम लोग शुरू से एक चीज बोल रहे हैं, समेशन ए एन इज सेट टू बी कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट्स एसओपीएस कन्वर्जेस इन द गिवन फॉर्म। ये जो टर्म था ना इन द गिवन फॉर्म, नाउ दिस टर्म विल बी इलाबोरेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन द गिवन फॉर्म, मींस विदाउट एनी काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट और इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट्स, यही तो लिखा था हम लोगों ने। लिखिए फर्स्ट, वेन समेशन ए एन इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, then any kind of rearrangement of terms or insertion of brackets, any kind of rearrangement of terms or insertion of brackets, insertion of brackets between the terms neither changes the sum, neither changes the character, neither changes the character of the series,
nor even the sum of the series. Riemann bracket mein. Neither changes the character of series nor even the sum of the series. ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की फैसिलिटी है. अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है ना, तो ये हमेशा कन्वर्ज करेगी खुद भी, खुद तो करती करती है. और जो मर्जी है, जैसे टर्म्स रीअरेंज कर दो, जैसी श्रद्धा हो वैसे करो, कन्वर्जेंस बना रहेगा और सम भी बना रहेगा. कई बार आपको लगता है ना कि इफ आई टेक दीज फाइव टर्म अर्लियर देन इट विल बी इजी टू आइडेंटिफाई. नहीं, कई बार हम लगता है आगे पीछे टर्म कर ले तो ज्यादा आसान हो जाता. तो ये राइट तभी मिलता है जब आप उसको कंफर्म कर दे कि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है. ये बड़ी बात है. कंडीशनल कन्वर्जेंस ना, वो दुखी मामला है. नेक्स्ट लिखिए. इफ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पे तो. कुछ भी कर लो. सीरीज अगर पॉजिटिव की है तो फर्क नहीं पड़ने वाला, और पॉजिटिव ना भी हो ना, नेगेटिव पॉजिटिव, अगर वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला. ये लिखा है ना, इसलिए एब्सोल्यूट पे बात कर रहे हैं. जो पॉजिटिव की है वो तो करे ही करेगी, वो तो हमेशा एब्सोल्यूट करती है. दिक्कत आती है इस तरह की गंदी सीरीज, 1-1/2 + 1/3 - पता नहीं क्या करती है, कुछ भी ला सकती है. सम आपका अपना बर्थडे याद करो और वो सम आ जाएगा अरेंजमेंट करके. सीरियसली, दैट इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय रीमान्स रीअरेंजमेंट थ्योरम. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन. इफ समेशन ए एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, इफ समेशन ए एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, देन एनी काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स और इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट्स बिटवीन द टर्म एनी काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स और इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट्स बिटवीन द टर्म्स मे चेंज द सम और इवन करेक्टर मतलब कुछ भी पॉसिबल है. आप तो अपनी मर्जी से सोचो. नेक्स्ट ऑब्जेक्शन लिखो अबाउट दिस. नेक्स्ट नोट थर्ड, ड्यू टू रीमान रीमान्स रीअरेंजमेंट थ्योरम, ये कहलाती है थर्ड नोट जो है ना, वो तो और खतरनाक है. वो कहता है इफ समेशन ए एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, इफ समेशन ए एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, देन इट कैन बी मेड और फोर्स्ड टू कन्वर्ज. इट कैन बी फोर्स्ड, जबरदस्ती. इट कैन बी फोर्स्ड और मेड टू कन्वर्ज. इट कैन बी फोर्स्ड और मेड टू कन्वर्ज टू एनी प्री असाइन रियल नंबर टू एनी प्री असाइन रियल नंबर और रियल नंबर बाय आइदर अ सूटेबल रीअरेंजमेंट और सीक्वेंस ऑफ रीअरेंजमेंट by either a rearrangement or a sequence of rearrangement. फिर समझिए लास्ट नोट है. वो लिखता है कि इफ समेशन ए एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, देन इट कैन बी फोर्स्ड टू कन्वर्ज टू एनी प्री असाइंड रियल नंबर. हाउ? बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट और सीक्वेंस ऑफ रीअरेंजमेंट्स.
मतलब जैसे Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. है ना, मैं एक एग्जांपल से डिस्कस कर सकता हूं इसी को. ओ, थोड़ा सा खतरनाक सा टर्म है तो इसी से डिस्कस किया जाता है. अभी खुद फील हो जाएगा कि हाँ कितना गंदा हो सकता था अगर सीरीज कोई और आ जाए. जैसे समेशन माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन इंटू साइन वन बाई एन, ये भी कंडीशनली है, ये भी कंडीशनली है. इसका ये यही तो लिखा हुआ है ना. ये लिखा हुआ है इस फॉर्म में. इसका सम क्या आता है? लॉग टू. इसको रीअरेंज करो सम बदल जाएगा. और आप तो बताओ कहां लेके जाना सम, वहां लेके जाएंगे. इसी सीरीज को रीअरेंज कर करके आप जहां कहोगे वहां ले जाएंगे. अगर एक का डायरेक्ट रीअरेंज मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक सीक्वेंस दिखा दूंगा रीअरेंजमेंट की. देखो एक काम करना, पहले ऐसा करना, थोड़ा नजदीक पहुंच जाओगे, फिर ऐसा करना, थोड़ा और नजदीक पहुंच जाओगे, और करते रहना, कभी तो पहुंच जाओगे. कब? ये डे वन मना किया गया है. कब तो नहीं पूछते ना, टेंडेंसी तो पूछते हैं ना. हाँ, मैं आपको अरेंजमेंट बता दूंगा कि ऐसे अरेंज कीजिए आप सर्टेनली पहुंच जाएंगे. और करके भी दिखाते हैं इसको, जहां मर्जी वहां ले जाके दिखाते हैं इसको. ठीक है, आई हैव आइडिया अबाउट दिस द सम ऑफ दिस सीरीज विद द हेल्प ऑफ यूलर सीक्वेंस अगेन. कि ये है ना कंडीशन कन्वर्जेंट. अब इसके पहले लॉजिक क्या है, पहले तो ये समझिए. जैसे इसी को दिखाता हूं. सबसे पहले देख ये नोट काम आएगा, अभी मत छापना, ठीक है, समझ लीजिए. दिस इज सीरीज विच इज कंडीशनली कन्वर्जेंट. अब इसी को जबरदस्ती जहां मर्जी वहां ले जाने का मन कर रहा है कि चलो ले जाते हैं इसको, इसमें जाए. ये सम अभी आ रहा है लॉग टू. कोई कहता था लॉग थ्री ला के दिखाओ, हम लॉग थ्री ला देंगे. नहीं, हंड्रेड ला के दिखाओ. नहीं, कोई भी एक नंबर वो ला के दिखाओ. माइनस 27 पाई ला के दिखाओ, एनी नंबर. इट कैन बी फोर्स टू कन्वर्स टूवर्ड्स दैट नंबर. हाउ दैट रीअरेंजमेंट इज ऑपरेट इन दिस फैशन. सबसे पहले ये देखिए, फॉर एनी अल्फा रियल नंबर देयर एग्जिस्ट पी एन अपॉन क्यू एन कन्वर्ट टू अल्फा वेयर पी एन एंड क्यू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स अल्फा या कुछ भी टी. आर प्लस कर ले सुंदर लगेगा, टी मिलेगा. अगर टी पॉजिटिव हो दोनों कैसे मिल जाएंगे हमको? ये तो पॉजिटिव मिलेंगे ना हमको, ये दोनों किसके मिलेंगे? नेचुरल नंबर मिलेंगे. सबसे पहले तो ये बड़ी काम की चीज है कि आप जो भी रियल नंबर मुझे दोगे पॉजिटिव अगर दोगे, आई विल गिव यू अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स विच विल कन्वर्स टू दैट रियल नंबर. और सीरीज कैसी मिली? नेचुरल नंबर पॉजिटिव है चुकी, ये हमारे पास है. ये तो होता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. पीएन क्यू एन कहीं भी जाता हूं, पीएन अपॉन क्यू एन कहां जाएगा? टी पे. ये हमारे पास एक है, ये करके आए हम लोग, ये बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ रैशनल्स. किसी भी नंबर भेज सकते, पॉजिटिव भेज सकते हैं. पॉजिटिव फायदा ही होगा, पीएन क्यू एन मेरे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स. सपोज पी एन अपॉन क्यू एन ये है, पहला टर्म क्या हो गया दिस सीक्वेंस, मान लीजिए वन, तो पी एन दोनों क्यू एन वन हो गए. थ्री बाई सेवन पी वन पी टू थ्री, हमें नेचुरल नंबर मिला नहीं मिला लगातार, इनका इस्तेमाल करेंगे. अब देखिए कंस्ट्रक्शन. नाउ सेकंड, फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू आर डिफाइन बीटा. और कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो देखना होगा. वन बाई फोर ई टू द पावर टू अल्फा है भाई ज्ञान. दिस इज आई एम डिफाइनिंग बीटा. ठीक है, वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं अब समझाते हैं कि ये हमने डिफाइन कर लिया. तो बीटा इज पॉजिटिव, सो देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस पी एन अपॉन क्यू एन कन्वर्जेस टू बीटा एंड पी एन क्यू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये नोट टू. So for any alpha positive, I can define beta. And this beta is defined for all, every alpha. कोई रूट रूल नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डोमेन क्या होता है? पूरा आर. हर अल्फा के लिए बीटा मिलेगा नहीं मिलेगा? और बीटा कैसा होगा? पॉजिटिव. सो फॉर एवरी अल्फा
आई विल क्रश दिस बीटा, ये आया दिमाग में कहां से, अब उसके पीछे ये क्यों है, अब देखिए, अब इससे आगे बढ़ रहे हैं। सपोज लेट समेशन ए एन इज रीअरेंज एस पी पॉजिटिव टर्म्स आर फॉलोड बाय क्यू नेगेटिव टर्म्स। ये समझ रहे हो, ये समझ रहे हो क्या लिखा है? इस सीरीज को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया, इसके पी पॉजिटिव और फिर क्यू नेगेटिव, फिर पी पॉजिटिव फिर क्यू नेगेटिव। अभी क्या दिया हुआ, पी इक्वल टू वन, क्यू इक्वल टू वन। सपोज आई राइट पी इक्वल टू थ्री एंड क्यू इक्वल टू टू, इट मीन्स वॉट, थ्री पॉजिटिव फॉलोड बाय टू नेगेटिव। तो व्हाट आर द फर्स्ट टर्म, वन वन बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई फोर फाइव एंड देन अगेन दैट विल स्टार्ट फ्रॉम वन बाई सेवन एंड सो ऑन। सो सेवन नाइन इलेवन, थ्री पॉजिटिव देन टू नेगेटिव एंड सो ऑन। तो पी पॉजिटिव एंड क्यू नेगेटिव टर्म्स, जो भी अरेंजमेंट होना था हो गया उसका। नाउ इफ आई टेक पी एन पॉजिटिव क्यू एन नेगेटिव टर्म्स, तो इट विल बी पी प्लस क्यू इन टू एन। सो देन इन एस पी प्लस क्यू एन, ये क्या होगा, इसका एसओपीएस जो मेरा होगा, इसका एसओ जो उस इस अरेंज फॉर्मेट में, मान लीजिए अभी नई सीरीज बन गई हमारी, कौन सी वाली, समेशन बी एन न्यू अरेंज सीरीज, व्हाट इज इट्स एसओपीएस, सम एस एन। सो टेक्स फर्स्ट पी प्लस क्यू एन टर्म्स एस इफ एस एन इज द एसओपीएस ऑफ न्यू सीरीज, देन एस ए पी प्लस क्यू एन, हाउ मेनी टर्म्स इट हैज, पी एन प्लस क्यू एन टर्म्स, अमॉन्ग दिस हाउ मेनी पॉजिटिव पी एन एंड हाउ मेनी नेगेटिव क्यू एन। सो राइट दिस, वन प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव एंड सो ऑन, हाउ मेनी टर्म्स पी एन, लास्ट वाला कौन सा आएगा, टू पी एन माइनस वन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर एंड सो ऑन वन बाई टू क्यू एन, ये आएगा। और यहां से एस पी प्लस क्यू एन को जो मैं लिख रहा हूं, देखना जरा इसको, वन प्लस वन बाई टू फिल कर दो उसको, प्लस वन अपॉइंट टू पी एन माइनस वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट फोर एंड सो ऑन वन अपॉइंट टू पी एन, जो एड किया सब भी करना पड़ेगा और माइनस वो तो है ही, कोई दिक्कत। तो इस सीरीज को रीअरेंज करके फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक खास सीरीज मेरे पास है, बड़ी स्टैंडर्ड सीरीज है, कि इसके पी पॉजिटिव क्यू नेगेटिव टर्म्स को मैंने रीअरेंज किया, पी पॉजिटिव फॉलोड बाय क्यू नेगेटिव। सो टोटल टर्म्स कितने लिए मैंने, पी प्लस क्यू इंटू एन, अगर थ्री पॉजिटिव टू नेगेटिव होते तो कितने टर्म लेता, फाइव एन, है ना, तो पी प्लस क्यू एन टर्म ले लिए, तो पी एन पॉजिटिव मिल गए और क्यू एन नेगेटिव, और इसको मैंने फिल कर दिया, ये बन गया। यहां वन अपॉइंट टू कॉमन ले सकता हूं मैं, क्या बनेगा, वन प्लस वन अप टू पी एन, यहां से, और ये तो कंप्लीट है ही। कैन आई राइट दिस एस, क्या लिख सकते हैं उसको बताइए, गामा एन के टर्म्स में, गामा टू पी एन प्लस लॉग टू पी एन, है ना, याद है, वन प्लस वन बाई टू एंड वन बाई एन इक्वल टू गामा एन प्लस लॉग एन लिखाया था ये। यहां क्या लिखेंगे आगे, माइनस हाफ गामा पी एन प्लस लॉग पी एन माइनस गामा क्यू एन प्लस लॉग क्यू एन, जरा सिंपलीफाई करो जरा इसको, रफ में सीधे आंसर लिख दिए हम, कहीं रफ में लिख लो ना, सिंपलीफाई करके इसको, देखिए गामा टू पी एन हाफ गामा पी एन हाफ गामा क्यू एन, दिस टेंस टू गामा हाफ गामा, दिस टेंस टू गामा हाफ गामा, दिस टेंस टू गामा फुल गामा, कैंसिल हो गया, लॉग टू पी प्लस लॉग एन, हाफ लॉग पी हाफ लॉग एन, हाफ लॉग क्यू
half log n, half log n. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Half log n, full log n, और एक log n यहाँ cancel हो गया. फाइनली बचा क्या? Log 2p ये माइनस वन अपॉइंट टू लॉग पी माइनस वन अपॉइंट टू लॉग क्यू दिस इज एल. तो ये आ गया टोटल. सिंप्लीफाई करो लॉग अंडर रूट फोर पी अपॉन क्यू ये आया जहां से मैं निकाला था. ठीक है ये इस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये. कितनी बार इसके बारे में क्या क्या नहीं पूछा गया होगा. तो कभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख के ना टेंशन में नहीं आना चाहिए सर ये सब दिमाग में कहां से आएगा. नहीं आएगा ऑब्वियस सी बात है. हम सब लोग जब रिसर्च करते हैं तो आता है. ऐसे थोड़ी एग्जाम में हम लोग के दिमाग में आता है. हम अपने आप को भी इंक्लूड कर रहे हैं ऐसा थोड़ी कर रहे हैं. बट एग्जामिनेशन हॉल या इस तरह चीजों में वो वहां नहीं आ सकता. दैट इज नॉट रिसर्च एरिया. वो रिसर्च के टाइम पे करते हैं. बट देयर आर क्वेश्चन विच आर बेस्ड ओवर हाउ वाइडली रेड यू आर. पढ़ लिख के आए हो कि ऐसे चले एग्जाम देने के लिए. जो 25,000 लोग एग्जाम देते हैं ना उसमें से 18,000 लोग ऑलमोस्ट 18,000 लोग वो इसलिए एग्जाम देते ताकि एग्जाम कनेक्ट हो. नहीं तो एग्जाम कनेक्ट नहीं होगा. वो पैसा वैसा देते हैं ना तो सरकार को थोड़ा सा फायदा हो जाता है बस. बाकी जो 7,000 बच्चे हैं ना इन्हीं बच्चों में एग्जाम होता है. इनमें से भी 3,000 बच्चे ऐसे हैं कि जो बस गए हैं दिखाने के लिए एग्जाम देने तो आए हैं और वहां पर क्लास में बड़े ढंग से बैठेंगे थोड़ा पढ़ लिख के आते हैं. होता वहां पर कुछ नहीं है. तो बचे 4,000 लोग. ये 4,000 लोग बेसिकली योर कॉम्पिटिशन इज अमंग 4,000 स्टूडेंट. सीरियसली जस्ट अमंग 4,000 स्टूडेंट. 4,000 में 500 लोगों के बीच में आना है आपको. ये तो है 4,000 में टॉप 500 मैक्सिमम. और उसके बाद ये जो कट ऑफ जाता है कितना कट ऑफ होता है 110 मार्क्स 25% जितना अवेलेबल होता है उसका. दैट इज द रीजन. ये जो स्पेशल केसेस है ना जो ये जिससे स्किप हो रखे 4 क्वेश्चन उसके निकल जाएंगे. इसके बारे में अब कोई ये पूछे कि इसको किस नंबर पे लेके जाना यहां से मिल जाएगा आपको. अगर लॉग के टर्म्स में तो वहीं ले जाओ सीधे सीधे. इट कैन बी फोर्स टू कन्वर्स टू लॉग फोर. लॉग फोर ना पी इक्वल टू फोर क्यू इक्वल टू वन. यहां रखो ना पी इक्वल टू फोर क्यू इक्वल टू वन. तो क्या हो जाएगा फोर स्क्वायर अनु बढ़ जाएगा लॉग फोर आ गया. 4 पॉजिटिव हट बाय 1 नेगेटिव. ये नंबर याद रखना. ये कहीं दिमाग में रखना इसको. कोई नहीं ये लिखेंगे दोबारा. उसको देख लो ये तो दोबारा लिखेंगे. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.